नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीर प्राप्त हो सके। मित्रों, दो दिन तीन दिन हमारी वीडियो नहीं आई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से हम दे ना सके। पहली सूचना है, पटना हाई कोर्ट में 550 सहायकों की नियुक्तियों के लिए आवेदन शुरू। पटना हाई कोर्ट में सहायक ग्रुप बी के 550 पदों पर नियुक्ति होगी। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य के 238 और ऐसे ही अलग अलग पदों के बेसिस पे आप देखेंगे, डिटेल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे दिया है, आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च तक है। प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। इसमें 189 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल तक की गई है। इसकी परीक्षा 15 शहरों कराई जा रही है। उसमें से आपको बता दें कि नालंदा, गया, हाजीपुर, मोतिहार, दरभंगा, बेगूसराय, छपरा, पूर्णिया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा आदि ये जगह हैं जहां की पेपर होने हैं। कल की सूचना में देखिए, आज विदा होंगे अध्यक्ष और अधर में है शिक्षक भर्ती। ये कल के समाचार पत्रों में सूचना छपी हुई थी और आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष महोदय रिटायर हो रहे थे, तो अब एक तरह से यह पद भी खाली हो गया है। और अध्यक्ष के न रहने की स्थिति में आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट दिया है, नहीं मिला सेवा विस्तार, भर्ती के लिए इंतजार, नए अध्यक्ष के आने तक घोषित हो सकेगी नहीं हो सकेगी परीक्षा की तिथि। अब जो डिग्री कॉलेज के अभ्यर्थी हैं जो कि आवेदन कर चुके हैं और इंतज़ार कर रहे थे परीक्षा तिथि की, अब उनकी तिथि परीक्षा तिथि बढ़ जाएगी, तो परीक्षा तिथि अब इतनी जल्दी नहीं आने वाली है जब तक कि अध्यक्ष फिर से नहीं आ जाते। और उसमें नई शिक्षा नीति की जो नियम है उसमें भी मामला कुछ फंसता नज़र आ रहा है। वहीं केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भी खाली पड़ने हैं पद। 58,000 पद लगभग खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से अधिक शिक्षण और गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है। वहीं यूपी में 24 से अधिक संस्कृत कॉलेज खुलेंगे। संस्कृत अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। वे सारे अभ्यर्थी जो संस्कृत से तैयारी करते हैं उनको सुनहरा अवसर मिलने वाला है, और अगर अपनी तैयारी जारी रखें तो उसमें इनका लाभ होने वाला है। राज्य सरकार प्रदेश भर में 2 दर्जन से अधिक राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज खोलने जा रही है, और इसका डायरेक्ट लाभ संस्कृत पढ़ने वाले सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा। वहीं CUET के लिए इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के अन्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पिछली बार इसके प्रक्रिया में काफ़ी लेट हो गया था, जिससे एडमिशन वगैरह में भी काफ़ी देरी हुई और अभ्यर्थियों के जो कोर्स हैं वो कम्प्लीट ना हो सके हैं, और एग्ज़ाम देने की तिथि भी घोषित कर दी गई, जैसा कि आप इलाहाबाद में स्वयं देख रहे हैं। वहीं अगली जो सूचना है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में है। और आपसे बता दें कि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 13/3/2023 से उनका फिजिकल शुरू हो रहा है, तो ये अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें और उनका फिजिकल जल्द मार्च में होने जा रहा है। वहीं रोडवेज बसों का सफ़र अब महंगा हो गया है, किराया बढ़ गया है और सोमवार रात से ही यह लागू हो गया है। अब दिल्ली के लिए देने होंगे 132 रुपये ज़्यादा, साधारण सेवा में 1.30 रुपये प्रति किमी और जनरथ पे 1.64 रुपये प्रति किमी बढ़ा है। वहीं इस साल 50 से अधिक अभ्यर्थी होने का अनुमान। छटनी के बाद फिर शुरू होगी स्टार्टअप में भर्तियां। तो पिछले 3-4 माह में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी करने के बाद स्टार्टअप अब भारी पदों पर फिर से एक बार भर्तियों के बारे में विचार कर रहा है।
वहीं भूकंप और जलजले की स्थिति बहुत बुरी भयावह आई है। तुर्की और सीरिया जैसे देश तबाह से हो गए, 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि चोटिल हुए हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। मानव को कहीं ना कहीं सचेत रहने की आवश्यकता है और प्रकृति से इस प्रकार जुड़े रहने की ज़रूरत है जिससे कि प्रकृति भी बची रहे और उनका संरक्षण हो सके और इन आपदाओं से हम आप बच सकें। आपसे इन्हीं सारी सूचनाओं के बाद आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।